इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैरमकदम। बेलगाम शहर के मरकजी इलाके में वाके महात्मा फुले मार्केट, जिसे कांदा मार्केट भी कहा जाता है, आज कॉरपोरेशन की जानिब से दुकानों की नीलामी मामले को लेकर कुछ देर तनाव का माहौल रहा। तकरीबन 60 दुकानों की नीलामी को लेकर कुछ देर कॉरपोरेशन अफसरान और किराएदारों के दरमियान बहस हुई, जिसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया। मामला जब संगीन बनने लगा तो दुकानों के कुछ किराएदारों ने कमिश्नर से मुलाकात फरमाई। हासिल इत्तला के मुताबिक देर रात तक नीलामी की कार्रवाई जारी रखने का फैसला लिया गया। वाजह रहे कि कांदा मार्केट का काफ़ी पुराना तनाजा रहा, जिसकी असल जगह वह बोर्ड बेलगाम के नाम पर 1866 से पहले एक खातून मुतवली इसकी मालिक थी, जिसने कॉरपोरेशन के 100 साल की मोहलत पर लीज से दिया था। 1966 को यह मुहैदा ख़त्म हुआ। मार्केट बागसिकंदर दरगाह वफ की ज़मीन पर कॉरपोरेशन ने महात्मा फुले मार्केट की तामीर की। किराएदारों ने किराया कॉरपोरेशन में अदा करने की बात कही जा रही है। मामला अदालत में जेर समात था। कई बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाया भी गया। कुछ लोगों ने इस पर जाती मिल्कियत होने की भी बात कही जा रही है। लिहाजा आज दुकानों की नीलामी को लेकर जोरदार बहस कॉरपोरेशन अफसरान और किराएदार ताजरों के दरमियान देखने को मिली। बेलगाम डीसी का कहना यह है कि कॉरपोरेशन हो या वह बोर्ड, दोनों भी हुकूमत के जेर मातहत ही आते हैं। दुकानों के जरिए जो मिल्कियत होनी थी, हुकूमत को इससे तकरीबन 1 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। लिहाजा अदालत जो भी फैसला देती है, इसे कबूल किया जाए, पर पिछले कई सालों से जो नुकसान हुकूमत को उठाना पड़ रहा है, इसे रोका जाए। लिहाजा नीलामी की कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही गई। दूसरी तरफ इस मार्केट में गरीब सब्जी, फ्रूट, नींबू, नारियल, पान के गरीब ताजिर हैं, जो इस दुकानों का इस्तेमाल महज मामूली चीज़ों को रखने के लिए करते। बाजार में बैठकर सड़क के किनारे किसी तरह गुजर बसर करते। कॉरपोरेशन नीलामी के जरिए किराया दुगना करना चाहती है, जिसे अदा करना छोटे सड़क पर बैठकर तिजारत करने वालों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। आखिर देर रात तक नीलामी की कार्रवाई जारी रही। इत्तला ये भी हासिल हुई है कि रियासत वक्फ बोर्ड की जानिब से जल्द फैसले के लिए ऊपरी अदालत में पिटीशन दाखिल की गई है। वक्फ बोर्ड कॉरपोरेशन और अदालती कार्रवाई के दरमियान छोटे ताजिरों को काफ़ी परेशानी उठानी, क्योंकि इनका गुजर बसर इन्हीं छोटी तिजारतों से होता है, जो ये सड़क पर बैठ कर करते हैं। गरीबों को ज़्यादा किराया अदा करना मुश्किल है, वहीं अमीरों के लिए यह मौका भी लग रहा है, जिन्हें ज़्यादा किराए की बोली लगाकर ज़्यादा दुकानों को अपने कब्जे में रख सकते हैं। क्या नीलामी की कार्रवाई से गरीबों को फिर से इम्तिहान के दौर से गुजरना पड़ेगा क्या, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। कॉरपोरेशन की जानिब से इस फुले मार्केट के दरवाज़ों को बंद किया गया, जिससे बुजुर्ग खवातीन को दिगर जरूरियात से फारिग होने में काफ़ी दिक्कत की बात भी कही जा रही है। बेलगाम शहर और अतराफ की गरीब खवातीन सब्जी बेचने का काम करती, अपनी फरियाद करते वक्त इनके आंखों से आंसू भी छलक रहे हैं। सेक्शन 52 के तहत अगर कोई भी लिंगा एक्शन में तो 2 साल की सजा होगी। आप खामोश रहना, एक्शन करने नहीं देना। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, किसकी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। सेक्शन 52 कमिश्नर साहब को, कमिश्नर को, डीसी साहब को ऑलरेडी बेंगलुरु से लेटर दिया गया है, फिर भी जो है कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी लेता है तो 2 साल की सीधा सजा मिलेगी। सेक्शन 52 के तहत यह कानून कहता इधर हाथ में है। बाथरूम ला जायला शुगर वाले रहते, बीपी वाले रहते, तुम्ही गेटा बंद करून आला। म्हातारे एक बाई लगबी करत गेली बिचारी, हालत काय करा बोले, गेटा बंद करून टाकला तुम्ही। मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनल ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर में जो स्टेज जो लाए, स्टेज हमने देने नहीं आता, उनको देने नहीं आता, तो इसके वजह से इन्होंने तो अपने इसमें हुकुमशाही में कैसा होना वैसा चला रहे हैं। अभी क्या हुआ है मालूम है, ये ना कि तंदर रही जो कोर्ट ने ऑलरेडी पेंडिंग है, तो मैटर पेंडिंग इवे इवर ऑलरेडी प्रेशर हाकि ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತ್ರಾಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಈಗ 8 ತಾರೀಕು ಕೇಸ್ ಐತಿ, 4 ತಾರೀಕು ರೊಕ್ಕ ಸವಾಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಡೆ. ಗಾಂಧಿಗಿಲಿಗೆ ತರ್ತಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿಸ್ತೈಡ್ರಿ. 4 ತಾರೀಕು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. 4 ತಾರೀಕು ಪರ್ಯಂತ ವಾದ, 4 ತಾರೀಕು ನಂತರ ತುಂಬ ಕಾಯ್ ಫೈಸಲಾ ಕರ ಸವಾಲ್. ಅನಿ ಎವಡ ಭಾಡ ಮಂಟ್ಲ ರೋಡ್ ವರ್ತಿ ಬಸ್ ಎವಡ ಭಾಡ ಪುರವಡತ್ ನೋಡಿ.
ನಾಲ್ಕು ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ರಿ. बेलगाम शहर में आज तकरीबन 9 महीने के बाद स्कूलों को शुरू किया गया, 10वीं 12वीं के क्लासेस शुरू किए गए तो 6वीं से 9वीं तक विद्यागम के तहत शुरू किया गया, जिसमें एहतियाती तदाबीर का एहतमाम भी किया गया। बच्चों को सैनिटाइजर मास्क पहनने पर सख्ती की गई थी, लिहाजा थर्मल स्क्रीनिंग करके स्कूली हाथे में दाखिला किया जा रहा था। सिर्फ आज 10वीं 12वीं के क्लासेस शुरू किए गए, तलबा और तालिबा को गुलाब फूल देकर स्कूलों में इस्तकबाल किया गया ताकि बच्चों में किसी तरह का डर ना रहे। बेलगाम शहर और अतराफ के स्कूलों में बच्चों की गुलपोशी की गई। वजीर रियासत ने किसी भी डर खौफ के बगैर स्कूलों में दाखिल होने का मशवरा दिया। किसी भी तलबा तालिबात पर स्कूल आने की कोई सख्ती न होगी। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने की बात महकमा तालीम की जानिब से कही गई। जो भी हो, सभी वालिदैन ने इत्मीनान की सांस जरूर ली है। एक बार स्कूल शुरू हुई कहा, कोरोना लॉकडाउन की वजह से शायद तारीख में पहली मर्तबा इतने तवील अरसे तक बच्चों को छुट्टियां मनाई। ये भी सच है कि अक्सर बच्चों को छुट्टियां अच्छी लगती है, पर इस बार छुट्टियां इतनी ज़्यादा हुई कि तलबा और तालिबा स्कूल जाने के लिए बेताब नजर आए। आज अनगोल के कुछ लोगों ने डिस बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए साफियों के सामने कहा कि अनगोल कब्रिस्तान की जगह कब्जा करने का काम कुछ लोगों ने अंजाम दिया है, लिहाजा इन पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। एडवोकेट कोतवाल ने दास्तान बयान करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए इनकी जाती जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इनका कहना यह भी रहा कि जमीन कब्रिस्तान की है। आज बरोज जुमा इन्होंने डीसी को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि वसीम नामी शख्स जो हमारे ही खानदान से है, लिहाजा हमारे रिश्ते के ही मुनीरा नामी बेवा को हिरासा कर रहा है। इससे पैसे तो लिए ही है, पर इस बेवा की जमीन को भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दिया। इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर डीसी बेलगाम ने मामले की तहकीक कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस वक्त अमीर हमजा कोतवाल, वाजिद मुजावर, करीम कोतवाल, मोहम्मद सादिक कोतवाल, मुनीर कोतवाल, नसीर कोतवाल, मोहम्मद कोतवाल, मोहम्मद नियाज कोतवाल और दिगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। कांग्रेस अखिलेती मोर्चा की जानिब से मस्जिद की बेहरमती को लेकर भाजपा आरएसएस गुंडों पर कार्रवाई की मांग। अखिलेती मोर्चा कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनाब इमरान तपकीर और दिगर जिम्मेदारों ने मुतालबा डीसी बेलगाम को पेश किया। वाजह रहे कि इंदौर में एक मस्जिद पर भाजपा आरएसएस और हिंदुत्ववादी तंजीम के अफरादों ने मस्जिद की बेहरमती की और अजान के स्पीकर को तोड़ा। मस्जिद के अंदर नमाजियों के लिए बिछाई चटाइयां तक यहां वहां फेंक दी, लिहाजा जानबूझकर आरएसएस या हिंदुत्ववादी तंजीमें इस तरह के हरकतों को अंजाम देकर मुल्क की भाईचारगी को मिटाने पर तुले, लिहाजा इन पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कांग्रेस अकलीती मोर्चा की जानिब से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।